देख पा रही हैं आप? आप देखते हैं सर? ठीक है निधि, मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत सुंदर हूँ, बढ़िया हूँ। आप कैसी हैं? सुरक्षित हूँ मैं सर। आई एम फाइन बट यू लुक वेरी वीक। अरे नहीं, आजकल डाइटिंग चल रही है ना। ओके सर, लेट मी नो व्हेन यू आर रेडी फॉर द क्वेश्चंस, वी विल स्टार्ट। यस यस, आई एम रेडी, आई एम रेडी। सर सबसे पहले तो आप हमें अपनी मूवी के बारे में बताइए, कागज। कागज एक फिल्म है, लाल बिहारी की कहानी है। भरत लाल है जो कि ऑन पेपर डेथ सर्टिफिकेट बन गया है और वो अपने आप को जीवित करने के लिए एक स्ट्रगल करते हैं 18 साल तक, उसकी कहानी है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक एक सटायरिकल टेक है, एक ब्लैक कॉमेडी सटायर ह्यूमर के साथ कही गई कहानी है। एंड आप, ये पारिवारिक फिल्म है, आप पूरे हर एज ग्रुप, पूरा परिवार साथ बैठ के देख सकता है। एंड बहुत दिनों से हिंदी सिनेमा में रूरल इंडिया मिसिंग था, सो अगर आप हिंदुस्तान के गांव देखना चाहते हैं, खेत देखना चाहते हैं, सो आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बैठे बहुत सारे लोग हिंदुस्तान को मिस कर रहे होंगे, उनके अपने गांव और घर की याद आ जाएगी। सर आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग कि अभी मैं वर्क फ्रॉम विलेज कर रही हूँ और मैं देवघर झारखंड से बिलोंग करती हूँ और मैं गांव से ही इंटरव्यू कर रही हूँ। तो मेरे गांव के लोगों को मैंने बोला कि आप लोग पंकज त्रिपाठी सर को जानते हो, तो उनका कोई फैन है? तो उन्होंने बोला उनका फैन कौन नहीं होगा, सभी उनके फैन है। क्या बात है, क्या बात है। सर आपके जो कैरेक्टर्स हैं ना वो बहुत रियलिस्टिक होते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि वो बंदा जो आप प्ले कर रहे हो मेरे गली में ही रहता है, बगल में ही। तो हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर दोस कैरेक्टर्स और ब्रिंग दोस कैरेक्टर्स टू लाइफ? क्योंकि मैं गली में आपके बगल में रहता हूँ। आपने अभी देवघर का जिक्र किया, देवघर के बगल में एक जगह है सिमुलतल्ला। यस सर। तो सिमुलतल्ला मेरा पसंदीदा जगहों में से एक है, वहां कभी जाओ सिमुलतल्ला में, जो वहाँ की पीस है, जो शांति है, जो जो वहाँ के पुराने बाड़ी हैं, बंगाली लोगों के जो घर हैं, उसको बंगाल का वेस्ट कहते थे सिमुलतल्ला को। सो यस, मैं इसलिए रिलेटेबल लगता हूँ क्योंकि मैं ये एग्जांपल इसलिए दिया कि ऑलमोस्ट हिंदुस्तान की सारी नदियां देखा हूँ, उनके किनारे रहा हूँ, हर किस्म के हर रसोई का खाना खाया हूँ और जिंदगी को बहुत ही बेसिक स्तर पर देखा हूँ, जो एक साधारण आदमी देखता है। जैसे तो वो बस, ट्रेन, तांगा, टमटम, लोकल ट्रेन, छोटी लाइन, मीटर गेज, पैदल, हर किस्म की नाव पे हर किस्म की यात्राएं की है। सो इसलिए रिलेटेबल लगता है क्योंकि जिंदगी को बहुत बेसिक से लेके और तमाम दुनिया देखा हूं, इसलिए शायद। सर जो कैरेक्टर्स आप प्ले करते हैं वो स्पेशल आप बना देते हो इम्प्रोवाइज करके या आपको वैसे ही रोल्स मिलते हैं? क्योंकि पता है आपको, हम जब आपकी फिल्म देखते हैं ना तो हमें वो पर्टिकुलर कैरेक्टर हमेशा याद रहता है, मतलब वो स्पेशल होता है, तो वो आप इम्प्रोवाइज करके करते हैं या फिर आपको वैसे रोल ही मिलता है आपको? हाँ नहीं नहीं, रोल भी मिलता है वैसा, एंड ऑफ कोर्स बतौर अभिनेता हम थोड़े बहुत एड ऑन भी करते हैं, क्योंकि जब तक मैं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं लाऊंगा तब तक आप मुझे सुनोगी क्यों? तो किसी जो आदमी आपके चेहरे पे दुख ला दे, निराशा ला दे, उसको आप कोई सुनना चाहता है, चाहते हैं यार उसे दूर रहो यार, वो बहुत हमेशा दुख भरी बातें करता है या फ्रस्ट्रेट परेशान करता है, आप उसके पास जाना चाहते हैं जो हंसाता है, यार उसके पास चलो, वो हंसाता है, वो मुस्कुराहट लाता है। तो अगर कुछ बात कहनी है तो मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट ला दूंगा तो आप इंगेज हो जाएंगी मेरे साथ, फिर मैं जरूरी बात कह दूंगा आपको। Yes, so acting को मैं ऐसे देखता हूँ, इतना आसान और सिंपल करके एक्टिंग को देखता हूँ मैं। सर ये फिल्म सतीश कौशिक सर की डायरेक्टेड है और वो एक वेटरन कंसिडर किए जाते हैं स्पेशली कॉमेडी सेक्टर में, कॉमेडी के जॉनर में। तो ड्यूरिंग द शूट ऑफ द फिल्म कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग हुआ था जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? नहीं नहीं, जो डायरेक्टर भी थे ना, सिर्फ एक्टर नहीं थे, जब एक्टर डायरेक्टर दोनों थे जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है तो ह्यूमर के बजाय सीरियस रहता है माहौल, क्योंकि उनके पास दो हैट हैं, उनको इधर भी करना है उधर भी। बट यस, इंटायर प्रोसेस बहुत मजेदार था, बहुत ऑर्गेनिक था, बहुत पैशन के साथ लगे थे सतीश जी इस फिल्म को, वो 17-18 साल से बनाना चाहते थे। एंड द काइंड ऑफ पैशन, सिंसेरिटी, ईमानदारी, हार्डवर्क उनका लगा हुआ था, वो मतलब मुझसे उम्र में ज्यादा बड़े हैं, बट उनकी ऊर्जा, उनकी मेहनत देख के मैं कभी कभी चकित हो जाता था कि
क्या मैं इनकी एज में इतना रहूंगा जागरूक और इतना हार्ड वर्किंग। सर जो अभी की कॉमेडी हम देख रहे हैं वो काफी सिचुएशनल बेस्ड है और वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस कि अच्छा इसमें जोक है समझना, यू नो स्पेशली आप वो बहुत करते हो, तो अभी का कॉमेडी पहले के कॉमेडी में कितना डिफरेंस आपको क्या लगता है और कितना टफ है अभी करना ऐसा? आप बोलना है समझना पड़ता है, आप ही ने बोला कि आप कि वो एक क्लाउड और एक चेहरे पे जोक जोक की तरह हो तो फिर मजा कहाँ है। राइट, जोक को जोक घटित होने के बाद लगे कि यार ये तो जोक था, हंसी के लिए था। पहले ही पता चल जाए कि ये हंसी है तो फिर मजा कम हो जाता है। वैसा ही है, स्टोरी टेलिंग बदली है, हम लोग बहुत सारे अभिनेता आए हैं और अलग अलग अप्रोच लेके आए हैं, डायरेक्टर भी अलग अलग आए हैं, राइटर भी आए हैं, इसलिए बदलाव हुआ है। और अभी ज्यादा टफ है मतलब कैसा आपको क्या लगता है, अभी कठिन है करना इसको? यस यस बिल्कुल टफ है, बिल्कुल कठिन है, बिना मुंह बनाए हंसाना है आपको। पहले आप देखो कॉमेडियन बहुत चेहरा बनाते थे ऐसा ऐसा, अभी हम लोग कोई चेहरा नहीं बनाते, नॉर्मल बातें करते हैं। सो वो तो टफ तो होगा ही। सर आप यू आर वन ऑफ दोस कैरेक्टर्स जो हम कह सकते हैं ओटीटी के स्टार हैं आप, ठीक है, तो आपको अभी ये जो प्लेटफॉर्म है ओटीटी का कंपेयर टू थिएट्रिकल रिलीजेस उसमें क्या अच्छा लगता है या कुछ कमियां लगती हैं जो इम्प्रूव करनी चाहिए? ओटीटी अच्छा है, कमियां तो अभी तक कमियां नहीं है, बट प्लेटफॉर्म इस मामले में अच्छा है कि वहां ओपनिंग का बर्डन नहीं है कि कितने करोड़ की ओपनिंग लगी। उन आधार पे फिल्म को सीरीज को प्रोजेक्ट आपका जो भी कहानी होती है उसको तय नहीं किया जाता है। ओपनिंग बड़ी लगी तो अच्छी होगी, ओपनिंग का क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। सेहत के लिए हार्मफुल चीजें सबसे ज्यादा महंगी बिकती हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो पैसे से आप क्वालिटी तय नहीं कर सकते, ओटीटी पे वो नहीं है। तो ओपनिंग का प्रेशर कम होने से कहानी एक्टर परफॉर्मेंस ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। करेक्ट, यही सर। आपने बहुत डाइवर्स तरह के रोल्स करे हैं, ठीक है, गैंगस्टर से लेके कॉमन मैन तक, तो आपको कभी लगता है कि यू माइट गेट स्टीरियोटाइप्ड जैसा, मतलब कोई फियर वियर तो नहीं है बट लगता है कोई कोई तो सच है तो ये सच्चाई से क्यों ये इनकार करना। बिल्कुल लगता है कि अगर मैं जागरूक अवेयर नहीं रहूंगा तो लोग कर देंगे, और मैं अवेयर हूँ उसके लिए, मैं अब इंटेंशनली अब थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ। मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था ना करना, मैं कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो सब हाँ कर देता हूँ, बट अब थोड़ा थोड़ा सिलेक्टिव होऊंगा। सर हाउ डू यू सी योर जर्नी, मतलब यू नो फ्रॉम अ विलेज टू मेकिंग इट बिग नाउ, अभी तो आपका सच में एक ब्रांड नेम है। और पता है सर ऐसा होता है कि पंकज त्रिपाठी सर का नाम एसोसिएटेड है किसी फिल्म के साथ तो फिल्म अच्छी होगी, ऐसा परसेप्शन हो गया, तो आपको कैसा लगता है ऐसा सोचकर? मुझे अच्छा भी लगता है और डर भी लगता है कि मैं कोई इतना पारखी नहीं हूँ, मैं कुछ नॉनसेंस भी कर सकता हूँ और नॉनसेंस भी मुझे करने की छूट होनी चाहिए। मैं भी आदमी हूँ, मुझसे भी कमियां या गलतियां हो सकती हैं, तो ये जिम्मेदारी का एहसास होता है कि लोग इतना ट्रस्ट करने लगे, भाई आदमी हूँ मेरे से भी तो गलती कभी कुछ हो ही सकती है। बट यस सेम टाइम अच्छा लगता है, लोगों का प्यार है, ये बहुत ही अद्भुत है। सर अभी आपका फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या है, व्हाट आर द अदर थिंग्स लाइंड अप? 83 मिम्मी 2 आने वाली है, शूट हो चुकी है, जो शूट करने जा रहा हूँ उनके बारे में अभी बताने के लिए पाबंदी है। ओके ठीक है। और सर जब आप फ्री होते हैं तब उस टाइम पे क्या करते हैं एक्टिंग के अलावा, मतलब आपके हॉबीज क्या है कुछ? रनिंग, जॉगिंग, घूमना, जंगल नदी नाले देखना। मैं बॉम्बे में भी थोड़ा अलूफ रहता हूँ, मैं नेचर से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये जो पूरा पैंडेमिक सिचुएशन था सर, इसमें आपने कुछ एक्सप्लोर किया लॉकडाउन में पैंडेमिक में? मैं 9 महीने घर पे रहा हूँ, बिल्कुल घर पे रहा हूँ, क्योंकि मैं उसके पहले का ये 2 साल घर पे नहीं था, शूटिंग में था, तो 9 महीने से घर पे हूँ। ओके सर, व्हाट इज योर एडवाइस टू एस्पायरिंग एक्टर्स? मेहनत करें, हार्डवर्क करें, सेल्फ असेसमेंट करें,
और कुछ भी मुश्किल नहीं है। ओके, फाइनली योर मैसेज फॉर योर फैंस इन ऑस्ट्रेलिया। बहुत सारा प्रेम आप सबों को, शुक्रिया मुझे देखने के लिए, पसंद करने के लिए। मैं ट्राई करूंगा, प्रयास करूंगा कि आपको हर बार एक बढ़िया एंटरटेनमेंट दूं और जरूरी बात भी कहूं। एंड थैंक यू सो मच, आप सबों ने हमें, जब सोसाइटी पसंद करती है, जब लोग पसंद करते हैं तो एक अभिनेता बनता है। जैसे भरत लाल की स्ट्रगल 18 साल की थी, वैसे मेरी भी स्ट्रगल 12-15 साल की थी। सो शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आप वापस से हेल्दी हो जाइए, बहुत ज्यादा दुबले हो गए हैं। First Indian magazine to have a national reach. In This Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. In This Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indisage.com.au.